नंबर 7, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई 2019। ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन। वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, द पार्टनर हु इज डाइड। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। दीज आर द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। रेडी चिल्ड्रन, पे वेरी गुड अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिनकर, नविता एंड वाणी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सो क्वेश्चन नंबर 7, दिनकर, नविता एंड वाणी, ओके, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नविता डाइड ऑन 30th June 2017। नविता डाइड ऑन 30th June 2007। सॉरी, 30th June मीन्स 30th June 2017। चिल्ड्रन, पॉइंट टू बी नोटेड, वेन एवर पार्टनर डाइड ऑलवेज रिकॉर्ड द डेट इन दिस मैनर एंड देन मेंशन आफ्टर हाउ मेनी मंथ ही डाइड। मीन्स कैलकुलेट फ्रॉम 1st अप्रैल, अप्रैल, मे, जून, सो राइट 3 मंथ। दिस इज नीडेड फॉर अदर क्वेश्चन टू कंप्यूट सेवरल सेवरल अदर प्रॉब्लम कैन बी इजी वेन यू राइट दिस मंथ, हाउ मेनी मंथ शी रिमेन्ड इन द बिजनेस बिफोर हर डेथ। सो इट इज इजी टू कैलकुलेट। ओके, सो आफ्टर 3 मंथ शी डाइड, इट मीन्स हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर 6 लाख। सो सेल्स ऑफ 3 मंथ इज गिवन, सिक्स लाख। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर्स हैड बीन 10% ऑन सेल्स। It means this is the rate of profit. So whatever is the sales, 10% is the profit. So if sales is 6 lakh, what will be the profit? 10%, 60,000 is the profit of that 3 month. The firm closes its books on 31st March every year. Calculate Navita's share of profit. So 3 month profit we have computed 60,000. This is 10% of 6 lakh, but in this 60,000 there is a share of all partners Dinkar, Navita and Vani. We need to compute only Navita's share. So let us calculate Navita's share. So under this 60,000 of profit, Navita's share is 2/6. It would be 20,000. Is that clear, dear children?